एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैनीक्योर शेयर करने वाली हूँ। और इसके पहले मैंने पेडिक्योर शेयर किया था, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने उसको ट्राई किया था और उनको बहुत से रिजल्ट्स देखने को मिले थे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैनीक्योर। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने नेल पेंट को रिमूव कर ले रही हूँ नेल पेंट रिमूवर से। तो जो आप सबसे पहले अगर आपने नेल पेंट लगाया है तो आप उसको रिमूव कर लीजिए। फिर मैं एक बोल ले रही हूँ, उसमें लिक्वॉर्म वाटर लिया है मैंने, उसमें मैंने ऐड किया है शैम्पू। तो जो रेगुलर शैम्पू आप यूज़ करते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा से क्या होता है कि हमारी जो नेल्स के ऊपर डेड स्किन जम जाती है वो निकलती है, उसको क्लीन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट मैं सॉल्ट उसमें ऐड कर रही हूँ, जो आपने अपने किचन में सॉल्ट यूज़ करते हैं वही आपको सॉल्ट यूज़ करना है रेगुलर सा। तो उसके बाद मैं अपने फिंगर्स को पानी में डिप करके रखूँगी हाफ एन आवर तक। तो हाफ एन आवर तक डिप करने से क्या होगा कि हमारे जो नेल्स के ऊपर जो डेड स्किन जम गई है वो फूल जाएगी, जिससे मुझे उसको क्लीन करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट मैं इसमें लेमन स्क्वीज कर रही हूँ, हाफ लेमन। तो लेमन इसलिए स्क्वीज कर रही हूँ क्योंकि इसमें होता है वाइटामिन सी, जो हमारे स्किन के लिए हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे नेल्स बहुत ही शाइन करेंगे, बहुत ही अच्छे दिखेंगे, क्लीन एंड क्लियर दिखेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि हम पार्लर में जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते। बट अगर आप घर में करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका खुद का होगा, क्योंकि आप अपने साइड से अपने खुद से जो है इसको अपने हाथों को क्लीन कर रहे हैं। इसके बाद जो है 15 से 20 मिनट तक रखने के बाद मैंने जो है लेमन को लेकर के हाथ पे घिसा है, जिससे जो है हाथ की जो नेल्स की जो डेड स्किन है वो निकल गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे नेल्स के ऊपर जो और येलो कलर का था उसको निकाला मैंने रब करके। नेक्स्ट मैं जो आप देखे होंगे आपके नेल्स के साइड साइड में एक डेड स्किन जम जाती है, उसको निकालने के लिए जो है यहाँ पे मैंने इसको ट्राई कर रही हूँ। तो ये टूल्स आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। नेक्स्ट मैं अपने नेल्स को फाइल कर रही हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा नेल्स को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके नेल्स बहुत बड़े हो गए तो आप उसको फाइल कर सकते हैं, तो आपके नेल का शेप बहुत अच्छा दिखेगा जिससे। इसके बाद मैं ले रही हूँ कोलगेट का टूथपेस्ट और इसको मैं लगाऊंगी अपने नेल्स के ऊपर। इससे क्या होगा कि जो नेल्स के ऊपर जो वाइटनेस की प्रॉब्लम हो, मतलब जो येलो हो जाते हैं हमारे नेल्स, वो उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो कोलगेट को लगाने के बाद अगेन लुकवार्म वाटर में मैं अपने नेल फिंगर्स को डिप करके रखूँगी, फिर मैं उसको ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद आते हैं स्क्रबिंग पे। तो स्क्रब करने के लिए मैंने एवरयूथ का स्क्रब यूज़ किया है, और आप अपने फिंगर्स को अच्छे से रब करके स्क्रबिंग कर सकते हैं। इससे आपके हाथ बहुत ही क्लीन दिखेंगे, बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो दोस्तों सारे प्रोसीजर करने के बाद आप भूलिएगा नहीं कि आपको अपने हाथ को मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि जो ये मैनीक्योर करने से आपके हाथ का मॉइस्चर चला जाता है, तो आपको मॉइस्चराइज करना अपनी हैंड को बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं फेसेस कनाडा का नेल पेंट लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ अपने नेल्स के ऊपर। तो आप भी किसी भी जो भी आपको नेल पेंट अच्छा लगे, आपका फेवरेट हो, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर पे मैनीक्योर कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। ज़्यादा आपको कुछ स्पेशल मार्केट से जाने की ज़रूरत नहीं है खरीदने की, घर पे जितनी चीज़ें अवेलेबल आप उससे जो है परचेज आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर